प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान शौरी का हाल जाना। आपको बता दें कि 78 साल के शौरी सिर में चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। शौरी से हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए मोदी ने ट्वीट के जरिए बताया कि मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी से पुणे में मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना, उनके साथ शानदार बातचीत हुई। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। दरअसल अरुण शौरी पिछले रविवार को अपने आवास पर बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके चलते उनके सिर में मामूली चोट आई थी। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सभी जरूरी जांच कर ली गई है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अरुण शौरी साल 1999 से 2004 के दौरान केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं विनिवेश मंत्री थे। हालांकि वो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के मुखर आलोचना करते रहे हैं, जिसके बाद पार्टी से उनके रास्ते भी अलग हो गए। लेकिन उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर पाते ही पीएम मोदी को रहा नहीं गया और वे तुरंत उनका हाल जानने पुणे पहुंच गए। शौरी भी अस्पताल में मोदी को देख भावुक होकर उनके गले लग पड़े। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। टीम खबर अपडेट।